देश में आज टूट सकता है सीजन के सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड। आपको बता दें, प्रदेश में लगातार बढ़ रहा तापमान। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री दर्ज किया गया। शुक्रवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया। आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला। हीट वेव का दौर आगामी 1 सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। जोधपुर बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों और जयपुर भरतपुर कोटा संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। जोधपुर बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं तीव्र हीट वेव चलने की संभावना है। 17 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। अभी और गर्मी सताने वाली है। आपको बता दें, 1 सप्ताह हीट वेव का इसी तरह का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो गर्मी का सतम इस समय पूरे प्रदेश में बना हुआ है। आपको बता दें, अधिकतर राज्यों के अंदर 43 से 46 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। प्रदेश में लगातार तापमान बढ़ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मौसम निदेशक राधेश्याम वर्मा जी। राधेश्याम जी, लगातार जी, राधेश्याम शर्मा जी, लगातार प्रदेश में तापमान बढ़ता जा रहा है। गर्मी का जो तीव्रता है वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल आगामी क्या आप बता पाएंगे कि आगामी क्या अनुमान है मौसम को लेकर प्रदेश में? देखिए, फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से राजस्थान का करीब 70% इलाका ऐसा है जहाँ पे तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। केवल जो अजमेर और जो उदयपुर संभाग के इलाके हैं यहाँ पर ही तापमान 43 डिग्री से नीचे है। बाकी ज्यादातर इलाके में तापमान 45 से ऊपर है। सबसे ज्यादा बाड़मेर में देखें तो 46.5 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है जी। और फिलहाल जो हीट वेव और कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति है अगले कम से कम 1 सप्ताह तक जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। यानी कि आने वाले दिनों में भी बहुत ज्यादा तापमान में कुछ उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर होंगे, कहीं कहीं 46 और 46 भी क्रॉस कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अधिकतर इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 1-2 जिलों में जहां 47 डिग्री तक टच हो सकता है वहां पे रेड कलर भी वार्निंग जारी किया गया है जी। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और हीट वेव और कहीं कहीं अति तीव्र हीट वेव, भीषण जो हीट वेव की परिस्थिति है वो बनी रहेगी, बनी रहेगी। राधेश्याम जी, ऐसा कहते हैं, एक आमतौर पर बात की जाती है कि अगर तेज गर्मी पड़ती है तो मानसून भी उस तरह से अच्छा आने की संभावना बनती है। ऐसा कुछ इस बार देखने को मिल सकता है प्रदेश में? देखिए, ऐसा माना जाता है आम लैंग्वेज में, आम जन के आम अवधारणा है, हाँ। है लेकिन ये है कि मई का महीना हमारे राजस्थान में एक्सट्रीम हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ इस समय तापमान में कभी कभी ऐसे स्पेल्स आते हैं जी। तो मानसून के लिए पहले से ही पूर्वानुमान जारी किया जा चुका है। इस बार का मानसून सामान्य से ऊपर रहेगा, अच्छी बरसात होने की उम्मीद है। और अभी भी देखें तो फिलहाल मानसून अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा आगे चल रहा है। ऑलरेडी इस बार बताया है कि मानसून जो भारत में जब प्रवेश करेगा केरल में तो सामान्य से 1 दिन पहले मानसून का प्रवेश हो सकता है। तो कुल मिलाकर अभी राजस्थान के लिए जो हीट वेव का स्पेल है वो कंटिन्यू रहेगा और अच्छे मानसून के लिए पहले से पूर्वानुमान किया जा चुका है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जलता हुआ सूरज और तपती हुई धरती इस समय प्रदेश में बनी हुई है और लगातार गर्मी का सितम आगे भी 1 सप्ताह तक देखने को मिलेगा। तो इसी तरह का तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस का ये तापमान और हीट वेव लगातार प्रकोप आगामी दिनों में भी दिखाती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में गर्मी को देखते हुए अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जरूरत हो तो ही बाहर निकले। तो इस समय हीट वेव का दौर लगातार जारी है और आगामी 1 सप्ताह तक, जैसा कि हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा जी जुड़े थे, उनका कहना था कि 17 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और गर्मी का जो ये सितम है लगातार अभी आगामी 1 सप्ताह तक देखने को मिलेगा। फिलहाल संभावना ये भी जताई जा रही है कि जिस तरह से तेज गर्मी पड़ रही है तो मौसम में भी इस बार अच्छी बारिश मानसून के अंदर देखने को मिल सकती है।
तो फिलहाल आवश्यकता यही है कि जब हीट वेव चल रही है और तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस पे बना हुआ है, सूरज का गर्मी का प्रकोप पूरी तरह से पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, तो अपने बचाव की ज़रूरत है और आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि हीट वेव चल रही है, ऐसे में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। आपको बता दें, जोधपुर बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में लगातार लू इस समय चल रही है, हीट वेव का दौर चल रहा है। जोधपुर बीकानेर संभाग शेखावाटी में कहीं कहीं तीव्र हीट वेव की चेतावनी भी यहां पर दी गई है। देश में आज टूट सकता है सीजन के सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड। प्रदेश में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगभग सभी जिलों में 2-4 डिग्री सेल्सियस के अंतर से इस समय तापमान बना हुआ है। शुक्रवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया था और आज यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज तमाम रिकॉर्ड तोड़ती हुई गर्मी आज के दिन में पड़ने वाली है और देश का सबसे गर्म दिन आज का होने वाला है। तो ऐसे में ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जब अति आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से बाहर निकले, ठंडे पेय पदार्थों का प्रयोग करें, गर्मी से बचने के लिए पानी पीते रहें। ये तमाम उपाय आपको हीटवेव से बचने के लिए करने होंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं जयपुर से हमारे संवाददाता मलखान। मलखान, राजधानी में इस समय आप मौजूद हैं, किस तरीके की, क्योंकि गर्मी का आज कह रहे हैं कि पूरे देश का आज का दिन जो है वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, सबसे गर्म दिन आज का रहने वाला है, राजधानी की अगर बात करें तो किस तरह की चहल पहल इस समय सड़कों पर, क्योंकि भीषण गर्मी बढ़ी हुई है यहाँ। देखिए बिल्कुल सौरभ, अगर राजधानी के आज मौसम की बात की जाए तो सुबह से ही लगातार जिस तरह से 9 बजने के बाद ही गर्म हवाएं चलना प्रारंभ हो गई थी और इस वक्त मैं जयपुर राजधानी में उस जगह मौजूद हूं जहां पर सुबह से और शाम तक छात्रों का तांता लगा रहता है। एजुकेशन हब माना जाता है जयपुर का ये गोपालपुरा बाईपास, जहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो मेरे पीछे के सीन आप देख रहे हैं कि हर स्टूडेंट कोचिंग आ रहा है तो वो अपना बचाव कर रहा है क्योंकि सुबह से ही लगातार गर्म आग बरसती हुई नजर आ रही है और ऐसे में माना जा रहा है मौसम विभाग का कि 19 मई तक पूरी तरह से गर्म रहने वाला है। हालांकि बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट हैं जो गर्म हवा से, गर्म लू से बचाव को लेकर भी यहां पर हैं, कोचिंग आ रहे हैं, क्या कहेंगे, लगातार गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, आप कोचिंग भी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? लग तो बुरा ही रहा है इस धूप में, पर आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी होगी, धूप में कड़कड़ाती धूप में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। पूरी तरह से आप सुबह से शाम तक आ रहे हैं तो ऐसे में पहले भी कम पड़ती थी कि इसी बार ज्यादा पड़ती है? नहीं, इसी बार फर्स्ट टाइम ही तैयारी कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ये वो स्टूडेंट है जो लगातार सुबह से शाम पढ़ने के लिए आते हैं तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि हर स्टूडेंट बचाव कर रहा है, हर कोई बचाव कर रहा है कि गर्म हवा से कैसे बचे। और भी है हमारे साथ, इनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि हर छात्रा गर्म लू से बचने की कोशिश कर रही है। तो सौरभ बिल्कुल, जिस तरह का जो मौसम है राजधानी का वो पूरी तरह से गर्म है और कहते हैं कि आसमान से आग बरस रही है और वो ही नजारा यहाँ गोपालपुरा बाईपास पर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं हर स्टूडेंट जो है बिल्कुल बचाव कर रहा है। इस समय आपदा की तरह ये आग बरस रही है आसमान से। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब इतनी भीषण गर्मी प्रदेश में जयपुर राजधानी में देखने को मिल रही है, इतनी भीषण गर्मी जब प्रदेश राजस्थान राजधानी के अंदर देखने को मिल रही है मलखान, तो ऐसे में जब आपदा पड़ती है तो प्रशासन भी सावचेत होता है, व्यवस्थाएं की जाती है लोगों के लिए। राजधानी की अगर बात करें तो किस तरह से गर्मी की बचाव के लिए व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए बिल्कुल सौरभ, अगर प्रशासन की मैं बात करूं कि प्रशासन द्वारा क्या बचाव कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन दरअसल जयपुर राजधानी की मैं बात करूं तो जहां पर तेज गर्म हवा, तेज आग जो बरस रही है, गर्म लू चल रहे हैं, उसको लेकर हालांकि नगर निगम ने कुछ बचाव किए हैं। नगर निगम ने जहां पर अगर बात की जाए टोंक रोड पर जगह जगह जो बत्ती है, ट्रैफिक की जो बत्ती है, वहां पर हरी ग्रीन जो ऊपर तानी गई है, छत बनाई गई है कि वहां पर जो बत्ती पर जो वाहन रुकते हैं उनके लिए, रुकने वालों के लिए छाए की व्यवस्था की गई है। लेकिन
दरअसल अगर गोपालपुरा बाईपास की मैं बात करूं, यहां पर स्टूडेंट लगातार कोचिंग आ रहे हैं, कोचिंग हब माना जा रहा है, तो यहां पर किसी भी बत्ती पर कोई भी व्यवस्था यहां पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि टॉक रोड पर जरूर नगर निगम की तरफ से व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे की, एक बार रखूंगा कैमरामैन सहयोगी से कि हर तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से स्टूडेंट है वो बचाव कर रहे हैं। हालांकि बातचीत भी कर लेते हैं इनसे, स्टूडेंटों से बातचीत कर लेते हैं, कैसा लग रहा है गर्मी से आप बचाव कर रहे हैं? धूप लग रही है बहुत तेज और डिग्री बहुत है इस धूप की। बिल्कुल गर्मी से बिल्कुल बच रहे हैं, आप देख सकते हैं हर कोई ढक रहा है, अपना मुंह से बचाव कर रहा है। कैसा लग रहा है गर्मी पड़ रही है? सर काफी तेज गर्मी है, गर्मी को देखते हुए ऐसा लगता है कि मौसम में काफी बदलाव हुआ है, गर्मी काफी तेज है, इसलिए पानी की बोतल साथ में लाएं बैग के साथ। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा तेज गर्मी है और उसकी वजह से ये रुमाल लेके घूम रहे हैं और पानी की बोतल जरूरी है। थैंक्स सौरभ। गर्मी से बचाव तो यही है कि कुछ ओढ़ के आओ, पानी वानी बोतल रखो, यही बचाव है, फिलहाल तो कोई बचाव है नहीं इसका। ओके बिल्कुल सौरभ, लगातार गर्मी का जो प्रताप है, गर्मी का जो अग्नि आग बरस रही है आसमान से, वो देखी जा रही है सुबह से लगातार। जो माना जा रहा है कि जिस तरह से 10 बजे का जो समय होता है उसके बाद तुरंत आग बरसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग भी अपना बचाव कर रहे हैं और हम लोग बातचीत कर रहे थे कि प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, और व्यवस्थाओं की जब बात आती है तो जब तेज गर्मी पड़ती है तो ऐसे में लोग, कई मरीज जो जिनकी संख्या अस्पतालों में बढ़ जाती है, तो ऐसे में अस्पतालों की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरह का नजारा, क्या तस्वीर देखने को इस समय मिल रही है बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए? देखिए बिल्कुल सौरभ, अगर बात की जा रही है गर्मी की, और गर्मी का जब प्रकोप तेज पड़ता है तो ऐसे में अस्पतालों में भी ओपीडी की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन दरअसल प्रशासन को इस पर पूरी तरह से निगरानी रखनी चाहिए। अगर जिस तरह से जहां पर ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, चाहे आमजन का आवक ज्यादा है, वहां पर व्यवस्था करनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि देखिए तमाम जो चीजें देखी जा रही हैं प्रशासन की तरफ से, अगर गर्मी का जो प्रकोप तेज पड़ता है तो ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चाहे मैं बात करूं जयपुर SMS की बात की जाए, चाहे जयपुर जयपुरिया हॉस्पिटल की बात की जाए, चाहे ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, तो ऐसे में जो तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम जैसे जैसे बदल रहा है, गर्मी का असर देखा जा रहा है, लू का असर देखा जा रहा है, तो ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में प्रशासन को पूरी तरह से व्यवस्थाएं करनी चाहिए। हालांकि देखिए अभी तक जयपुर राजधानी की अगर बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, क्योंकि देखिए जयपुर जो जिला है इसके आसपास की अगर मैं बात करूं तो बस्सी है, चाहे चाक्षु है, तमाम जगह अभी भी अस्पतालों में ओपीडी में लगातार जो बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम में बदलाव हुआ है, जैसे जैसे गर्म हवाएं चली हैं, उसके बाद हर अस्पताल की ओपीडी में पूरी तरह से बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि देखिए लगभग ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए, चाहे मैं बस्सी की कर लेता हूँ, चाक्षु की कर लेता हूँ, और जयपुर SMS जयपुरी अस्पताल की कर लेता हूँ, जहाँ पर पूरी तरह से ओपीडी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि गर्म हवा और गर्म लू चलती है, तो ऐसे में हर आदमी, हर छोटे बच्चे, तमाम जो हैं वो बीमारी के चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सब तरफ से व्यवस्थाएं हो रही है, प्रशासन भी अपनी व्यवस्था कर रहा है, लोग भी अपने बचाव कर रहे हैं, और जरूरी यही है कि लोग खुद से सावचेत हो, जागरूक हो, और तेज गर्मी के चलते ज्यादा बाहर नहीं निकले, जरूरत हो तभी बाहर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद मलखान इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।